हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये वो है जिस आपने शैम्पू वगैरह या कोई भी तेल वगैरह यूज़ करते हो उसके पीछे ऐसा यू वाला निशान आता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये होता क्या है, क्या है इसका कंपनी? देखो, ये मैंने बताया ना, यू वाला निशान आता है ऐसा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ब्रिटिश डिश मैन्युफैक्चर कंपनी है ये। कौन है? ब्रिटिश डिश मैन्युफैक्चर कंपनी, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट प्रोड्यूस है फूड। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस इंक्लूड फूड, वेजेस, क्लीनिंग एजेंट, पर्सनल केयर और प्रोडक्ट एंड वाटर प्योरीफायर एंड कंज्यूमर गुड्स। यानी कि फूड वगैरह, वेजेस, हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट ऐसे देगा ना। आपने लाइफ बॉय सुना होगा नाम, लक्स, डोमेंस, रेड लेबल, ताजा और फेयर एंड लवली, उसके पीछे भी देखना कभी वाला निशान जरूर बना होगा युवा। ठीक है, किसान, वैसलीन, एक्सका और भाई सारे आप क्लियर, तीन प्लस, पॉन्स, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट ये करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मेशन का पता। फाउंडेड 1933 में, इसको भी 87 ईयर हो चुके हैं। और हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। की पीपल कौन है इसके? संजीव मेहता अभी इसके CEO है। और प्रोडक्ट क्या है इसका? फूड, फूड्स, क्लीनिंग एजेंट, पर्सनल केयर जो भी मैंने बताया, और वाटर प्योरीफिकेशन। रेवेन्यू इसका कितना है ये देखो, US $4.8 बिलियन 2016-17। ऑपरेटिंग कंपनी है इसकी, ठीक है, जिसमें ये करते हैं 6.0 इतने डॉलर। नेटवर्थ इनका ये है, और नंबर ऑफ पीपल इसमें इतने काम करते जो हटा। पेरेंटल कौन है? यूनिलीवर के पेरेंटल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मिस्टर संजीव मेहता इज़ द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर के, जो भी प्रेजेंट में है वो संदीप मेहता है। मैंने आपको बताया ना, संदीप मेहता जो अभी इनका 1961 में इनका जन्म हुआ था, और 15 ईयर एक मुंबई में एजुकेशन कहाँ से लिया इन्होंने ये देखो, सेंट एम कॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। गाइस ये देखो, आगे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो की पीपल कौन है? संजीव मेहता, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। मेरे संजीव मेहता ये देखो, 1931 में यूनिलीवर सेट अप द फर्स्ट इंडियन सब्सिडरी बना था, हिंदुस्तानी फर्स्ट। इसने क्या करा था? वनस्पति मैन्युफैक्चर कंपनी थी, फॉलो बाय द लीवर ब्रदर्स इन 1933 द यूनाइटेड ट्रेड ऑफ 1935 द थ्री कंपनीज मर्ज, तीन कंपनी मर्ज हुई थी। HUL नवंबर 1956 में, देखो तीन कंपनीज में मर्ज हुई थी हिंदुस्तान। HUL नवंबर 1956 HUL लॉटर 10% ऑफ इक्वलिटी ऑफ द इंडियन पब्लिक बीइंग द अमंग फॉरन सब्सिडरीज, यानी कि तीन कंपनी जो मर्ज हुई थी। ये देखो, एक दो तीन, तीन है ना इसमें, ये वाली 1933, ये और ये, तीन कंपनी इसमें मर्ज होकर जब बना था हिंदुस्तान यूनिलीवर। आगे देखते हैं हिस्ट्री क्या थी इसकी, जो मैंने बताया ना यूनिलीवर बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1933 द लीवर ब्रदर्स इंडियन लिमिटेड ऑफ लीवर ब्रदर्स 1956 बिकम नोन एज द हिंदुस्तान यूनिलीवर एज ए रिजल्ट ऑफ मर्ज बिटवीन लीवर ब्रदर्स हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर को प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्रेडर। और दूसरी कंपनी वॉज द रीनेम बस जून 2007 हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि वो फर्स्ट जो मर्ज हुआ था उसी का नाम चेंज करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर रख दिया, जो वनस्पति वाला था उसी का नाम चेंज कर दें हिंदुस्तानी, ये था ना हिंदुस्तानी वनस्पति मैन्युफैक्चर वाले, ये रहा इसका नाम ही चेंज करके उन्होंने ये रख दिया। उस टाइम पर ये इनके यहाँ पे चेयरमैन और CEO और MD थे, ठीक है, 1933 वाला। उसके बाद देखो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर इस्टेब्लिश 1933 द लीवर ब्रदर्स द फॉलोइंग द मर्ज फाउंड 1933 87 ईयर हो। ठीक है, ये फाउंडेड 1933 ये मर्ज हो गया था, इंस्पिरेशन ऑफ द यूनिलीवर ये देखो दोनों। ठीक है, आगे ये क्या है, सेलेक्टेड द पैराग्राफ टू एडिट विलियम हेल्सन लीवर, ये एक था बंदा, दो थे ना यूनिलीवर वाले, दो थे, पहला ये था फर्स्ट इसकॉम इंग्लिश इंडस्ट्रियल एंड इनका जन्म देखो बस 19 सितंबर 1851 में बोल्टन यूनिवर्सिटी किंगडम में हुआ था।
यूके में हुआ था इनका जन्म, और 7 मई 1925 में लंदन में इनकी डेथ हुई थी यूके में ही। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे थे ये रहे, इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1854 यूके में ही, और इनका डैड भी हुए थे वहीं पर। इनकी ये पूरी बायोग्राफी है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन लीवर ब्रदर मैंने बताया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी लीवर ब्रदर्स नेफ्यू वगैरह इनके, ये दूसरे हैं लीवर ब्रदर के। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा होगा हिंदुस्तानी लीवर होता क्या है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं अपने हेल्थ वगैरह केयर वेजेस वगैरह के जो हमारे डेली प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, होप सो मैं आपकी कमेंट रिप्लाई करूँगा। और आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक यू गाइज़।